हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन केमिस्ट्री क्लासेस ऑफ SVGM यूट्यूब चैनल्स। इन लास्ट क्लास वी आर डिस्कस फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ एल्कोहल एंड फिनॉल्स। नेक्स्ट टॉपिक केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एल्कोहल्स एंड फिनॉल। केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एल्कोहल एंड फिनॉल्स, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। लिसन केयरफुली एंड अटेंशन ऑफ योर पोजिशन विद ब्लैक बोर्ड। एल्कोहल, राइट? इट मीन्स एंड फिनोल, व्हाट डिफरेंस बिटवीन इन दिस हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच विद एल्किल ग्रुप एंड इन दिस हाइड्रोक्सिल ग्रुप विद एरिल ग्रुप्स, एरोमेटिक ग्रुप्स, राइट? अ मेन केमिकल प्रॉपर्टीज, व्हाट इज केमिकल प्रॉपर्टीज? Cleavage of bond and react with any reagent, that is chemical reaction, right? Seen in this bond cleavage, here one type chemical reactions, and bond cleavage here two second type chemical reactions. क्या देख रहे हो आप कि alcohol में oxygen and hydrogen के बीच से bond cleavage होगा, और दूसरा आप क्या देख रहे हो, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच से बॉन्ड क्लीवेज होगा, ठीक है? जब यहां से बॉन्ड क्लीवेज होगा तो बाहर क्या जाएगा, एच पॉजिटिव। फर्स्ट टाइप में आप क्या देख रहे हो, किस टाइप का, प्रोटॉन आउट, राइट? और सेकंड टाइप में जब केमिकल रिएक्शन होगी तो कार्बन पे कौन सा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज। तो यहां प्रोटॉन और इस पे कौन सा चार्ज आ गया, नेगेटिव चार्ज, और यहां आप क्या देख रहे हो कि कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, ठीक है? तो इस टाइप की जो रिएक्शंस होगी, इन दिस टाइप रिएक्शंस एल्कोहल रिएक्ट एक्ट एज न्यूक्लियोफाइल। किस टाइप में एक्ट करेगा, ये न्यूक्लियोफाइल के रूप में एक्ट करेगा, और इसमें एक्ट एज इलेक्ट्रोफाइल। हम ये कह सकते हैं एल्कोहल में एज ए न्यूक्लियोफाइल और एज ए इलेक्ट्रोफाइल्स टू टाइप्स केमिकल रिएक्शन प्रोसीड होती है, और इट मींस एल्कोहल आर वर्सेटाइल नेचर। किस टाइप की नेचर का, ये वर्सेटाइल नेचर, ठीक है? तो टू टाइप्स बॉन्ड क्लीवेज इन एल्कोहल्स एंड ए फिनॉल्स, राइट? फर्स्ट क्लीवेज बिटवीन ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन एंड टू फॉर्म एंड टू डोनेट प्रोटॉन एंड एक्ट एज ए न्यूक्लियोफाइल्स, और सेकंड एक्ट एज ए इलेक्ट्रोफाइल्स। अब नेक्स्ट, अब दोनों के अंदर इनकी केमिकल रिएक्शन प्रोसीड कैसे होती है इसके बारे में डिस्कस करते हैं हमने, ध्यान दीजिए। फर्स्ट लेंगे एक्ट एज ए न्यूक्लियोफाइल्स। अलग अलग टाइप से रिएक्शंस कई बार पूछ ली जाती हैं, तो ध्यान दीजिए। एल्कोहल एक्ट एज न्यूक्लियोफाइल, किसके रूप में, न्यूक्लियोफाइल के रूप में होता है, तो क्या केमिकल रिएक्शन से होती है, ठीक है? अब ध्यान दीजिए, लोन पेयर ऑफ ऑक्सीजन एटम आर ओ
एच सी देन पॉजिटिव चार्ज ऑन ए ऑक्सीजन एटम एन टू गिव एच पॉजिटिव ठीक है। ये एज ए न्यूक्लियोफाइल आप क्या देख रहे हो इसमें कि लोन पेयर इलेक्ट्रॉन ऑफ ऑक्सीजन एटम टू एनी इलेक्ट्रोफाइल्स रिएक्ट एंड टू फॉर्म बॉन्ड बिटवीन दिस एंड टू गिव आउट या रिमूवल एच पॉजिटिव डोनेट एच पॉजिटिव ठीक है। अब एक्ट एज इलेक्ट्रोफाइल तो एच पॉजिटिव आर ओ एच एच और पॉजिटिव ठीक है। अब इलेक्ट्रोफाइल एंड न्यूक्लियोफाइल ठीक है एंड बार एच टू ओ ध्यान दीजिए जब अल्कोहल एक्ट एज ए न्यूक्लियोफाइल रिएक्ट करता है तो बार क्या आ रहा है प्रोटोन तो किस टाइप की केमिकल रिएक्शन प्रोसीड होगी डी प्रोटोनेशन राइट रिमूवल ऑफ प्रोटोन दैट इज नॉन डी प्रोटोनेशन। और यहां आप क्या देख रहे हो कि जब अल्कोहल एक्ट एज ए इलेक्ट्रोफाइल जब ये इलेक्ट्रोफाइल के रूप में रिएक्ट करता है तो बार क्या रहा है H2O तो रिएक्शन किस टाइप की होगी डिहाइड्रेशन हाइड्रेशन मींस एडिशन ऑफ H2O मॉलिक्यूल एंड डिहाइड्रेशन मींस रिमूवल ऑफ H2O मॉलिक्यूल्स। ऑलवेज रिमेंबर दिस पॉइंट व्हेन एक्ट एज ए न्यूक्लियोफाइल ऑफ अल्कोहल that deprotonation reaction it means H positive removal and act as a electrophiles then dehydration it means removal of H2O molecules very very important two types behave alcohol and two type bond cleavage when oxygen and hydrogen bond cleavage then react as a nucleophile and reaction proceed with deprotonation and bond cleavage when carbon and oxygen reaction proceed with electrophiles and dehydrations right। ab reactivity order mention karte hain ki jab nucleophile ke roop mein hota hai to kya reactivity order hoga aur जब इलेक्ट्रोफाइल के रूप में होता है तो क्या न्यूक्लियोफाइल इट मींस एच पॉजिटिव और ध्यान दीजिए मिथाइल एल्कोहल वन हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूट बाय एनी एल्किल ग्रुप then form primary alcohol and two hydrogen atom substitute by alkyl group then form secondary alcohol and three hydrogen atom substitute by alkyl group and to form tertiary alcohols primary alcohols secondary alcohols and tertiary alcohols we are study reactivity orders ठीक है। तो two types से मैंने bond cleavage बताया आपको ध्यान दीजिए first type हमने क्या पढ़ा था when oxygen hydrogen bond cleavage किन किन से bond cleavage हो रहा है oxygen hydrogen से। अब यहां क्या है
प्लस आई इफेक्ट, एल्किल ग्रुप इफेक्ट प्लस आई इफेक्ट, राइट? प्लस आई इफेक्ट इट मींस डोनेट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी या इंक्रीज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन एटम्स। अब क्या होता है कि ऑक्सीजन प्रोटॉन को बाहर कब निकालेगा, कब ये रिमूवल करेगा? जब अगर इसको इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इधर से क्या मिलेगी, कम मिलेगी। अगर यहां से ज्यादा मिलेगी तो ये प्रोटॉन का आउट नहीं करेगा, रिमूवल ऑफ प्रोटॉन इजिली नहीं होगा। तो इस टाइप में, किस टाइप में, जब ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में से बॉन्ड क्लीवेज होता है तो रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या हो गया, CH3OH, फिर किसका नंबर आएगा, प्राइमरी एल्कोहल का, फिर किसका नंबर आएगा, सेकेंडरी एल्कोहल का, और फिर किसका नंबर आएगा, टर्शरी एल्कोहल का। समझिए, बिल्कुल भी रटना नहीं है। मैंने आपको बताया कि टू टाइप से इसमें बॉन्ड क्लीवेज होता है। जब ऑक्सीजन हाइड्रोजन के बीच में होता है तो ऑक्सीजन क्या कर, कब इसको इजिली आउट करेगा, जब यहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगी। अब यहां कम का मतलब इसके साथ जुड़ा हुआ कार्बन है, इससे जुड़े हुए अगर तीनों के तीनों एल्किल ग्रुप कार्बन को देंगे तो यहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहां से क्या होती रहेगी, इसको इंक्रीज होती रहेगी। तो ये प्रोटॉन को इजी डोनेट नहीं करेगा। जब ये प्रोटॉन का इजी डोनेट नहीं करेगा तो इसकी रिएक्टिविटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ध्यान क्या रखना है, इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, आप प्राइमरी एल्कोहल है तो वन एल्किल ग्रुप है, तो ये इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन को इजी क्या करेगा, डोनेट करेगा। और जब थ्री एल्किल ग्रुप होंगे तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज ऑन कार्बन एटम एंड टू इंक्रीज ऑन ऑक्सीजन एटम, देन नो इजी टू प्रोटॉन रिमूवल, यानी क्या है, प्रोटॉन का इजिली रिमूवल नहीं होगा। सेकेंड पॉइंट, जब अपना क्या होता है, बॉन्ड क्लीवेज यहां से होता है तो कब रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स, तो कार्बन पे क्या आता है, पॉजिटिव चार्ज आता है, तो ये स्टेबलाइज कब होगा, जब इसके पास एल्किल ग्रुप ज्यादा होंगे। तो रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या हो जाएगा, टर्शियरी एल्कोहल इज ग्रेटर देन सेकेंडरी एल्कोहल एंड सेकेंडरी एल्कोहल इज ग्रेटर देन प्राइमरी एल्कोहल। तो दोनों का कंपेरिजन सहित रिएक्टिविटी ऑर्डर मैंने आपको बताया। बिल्कुल भी डाउट नहीं होना है, कंफ्यूज नहीं होना है। इसके अंदर ध्यान रखना है कि इजिली प्रोटॉन किस कंडीशंस में होगा, प्राइमरी एल्कोहल्स में इजी होगा, टर्शरी में नहीं होगा, क्योंकि तीन एल्किल ग्रुप अटैच विद कार्बन एंड टू इंक्रीज द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एंड डू नॉट इजी रिमूवल ऑफ ए प्रोटॉन, सो लेस रिएक्टिविटी ऑफ टर्शरी एल्कोहल इन फर्स्ट केस, एंड सेकेंड केस द रिएक्टिविटी ऑर्डर मोर देन ऑपोजिट, राइट? ये रिएक्टिविटी ऑर्डर इन बॉन्ड क्लीवेज। तो इस टाइप से रिएक्टिविटी ऑर्डर को अच्छी तरह से ध्यान रखना है। अब इनकी केमिकल रिएक्शंस डिस्कस करेंगे कि किस टाइप से होती है, किस टाइप से नहीं होती है, ठीक है? तो लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था ब्रोंस्टेड कंसेप्ट। ध्यान दीजिए, मैंने नाम बोला है ब्रोंस्टेड कंसेप्ट। ब्रोंस्टेड ने क्या कंसेप्ट दिया था कि जो प्रोटॉन डोनेटर हैं वो क्या होते हैं, एसिड होते हैं। तो हम ये कह सकते हैं एल्कोहल एक्ट एज ए एसिड, राइट? तो सबसे पहले रिएक्शन विद मेटल, फर्स्ट टाइप की रिएक्शंस पढ़ेंगे, बॉन्ड क्लीवेज, ऑक्सीजन बिटवीन ऑक्सीजन एंड ए हाइड्रोजन, और उसमें फर्स्ट पॉइंट क्या है अपना, रिएक्शन विद ए मेटल्स, ठीक है? तो C2H5OH react with sodium metal and to form sodium ethoxide and H2 gas liberate.
क्या देखा आपने, एच टू गैस लिबरेट हो रही है, रिमूवल ऑफ एच टू गैस। तो कोई भी एक्टिव मेटल स्पीसीज के साथ एल्कोहल रिएक्ट करेगा तो एच टू गैस लिबरेट होगी और एल्कोक्साइड आयन फॉर्म होगा। क्या नाम इसका? सोडियम एथोक्साइड। क्या नाम है इसका? टर्शरी ब्यूटिल एल्कोहल। ध्यान दीजिए, कार्बन जिससे हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच है वो थ्री कार्बन से अटैच है और टोटल कितने हैं? फोर। तो ब्यूटिल टर्शरी एल्कोहल्स रिएक्ट विद एल्यूमिनियम, ठीक है। तो CH3 ओ थ्राइस ए। क्या देखा आपने? सोडियम वन इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है और ये कितने इलेक्ट्रॉन रिमूव करेगा? थ्री। तो थ्री पॉजिटिव चार्ज, राइट, टर्शरी ब्यूटोक्साइड, एल्यूमिनियम टर्शरी ब्यूटोक्साइड आयन, ठीक है। इस टाइप से रिएक्शन विद मेटल ऑफ एल्कोहल्स, किस टाइप की रिएक्शन है? एक्टिव ऑफ एच, इट मींस लिबरेट एच टू गैस एंड सो एसिडिक नेचर ऑफ ए एल्कोहल। ये केमिकल रिएक्शन क्या शो कर रही है? एसिडिक नेचर ऑफ ए एल्कोहल। तो एग्जाम में इस पैटर्न पे क्वेश्चन पूछा जाता है, गिव टू केमिकल रिएक्शन टू शो एसिडिक नेचर ऑफ ए एल्कोहल्स। ऑलवेज रिमेंबर इन दिस प्रोटॉन रिमूवल, इट मींस प्रोटॉन डोनेट और प्रोटॉन डोनर क्या होता है? एसिड अकॉर्डिंग टू ब्रॉन्स्टेड। क्या कंसेप्ट है ये? ब्रॉन्स्टेड कंसेप्ट है। अब ये एसिड, ये बेस क्या फॉर्म होगा? वाटर मॉलिक्यूल, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, सॉल्ट फॉर्मेशन। तो ये भी केमिकल रिएक्शन किसको शो करती है? एसिडिक नेचर ऑफ ए एल्कोहल्स। तो इस टाइप से रिएक्शन विद मेटल्स में भी अपने को देखना है, ठीक है। नेक्स्ट है रिएक्शन विद कार्बोक्सिलिक एसिड। रिएक्शन विद कार्बोक्सिलिक एसिड, स्टार पॉइंट, इट मींस वेरी इंपॉर्टेंट। ध्यान दीजिए, कार्बोक्सिलिक एसिड क्या सीन किया आपने? एल्कोहल रिएक्ट विद कार्बोक्सिलिक एसिड एंड टू फॉर्म एस्टर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फॉर्मेशन ऑफ एस्टर, इट मींस एस्टरीफिकेशन, एस्टरीफिकेशन। एग्जाम में इस नाम से भी क्वेश्चंस पूछा जा सकता है, गिव द रिएक्शंस ऑफ एस्टरीफिकेशन। क्या देखा आपने कि प्रोटोन डोनेट कौन कर रहा है? एल्कोहल। और हाइड्रोक्सिल ग्रुप कहां से आ रहा है? कार्बोक्सिलिक एसिड से। ये
केमिकल काइनेटिक्स के अंदर इसकी काइनेटिक्स की जब स्टडी करते हैं तो ज्यादातर इसमें डाउट ये रहता है कि ये एसिड है और ये बेस, यानी OH इसका आता है और H इसका आता है, जबकि इसका ऐसा नहीं होता। जब इसकी स्टडी की जाती है तब प्रोटोन किसका आता है, एल्कोहल का, और ये हाइड्रोक्सिल किसका आता है, कार्बोक्सिली। ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी कई बार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ऑलवेज रिमेंबर एस्टरीफिकेशन रिएक्शंस, फॉर्मेशन ऑफ एस्टर फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड रिएक्ट विद एल्कोहल एंड टू फॉर्म एस्टर, प्रेजेंस ऑफ एसिड्स। तो इस टाइप से ये टू केमिकल्स रिएक्शंस, एक तो एसिडिक नेचर को शो करने वाली और एक है एस्टरीफिकेशन। अब क्या है कि स्ट्रेंथ ऑफ एसिडिटी या कंपैरिजन ऑफ एसिडिक नेचर वाटर एंड एल्कोहल एंड फिनोल्स, तीनों का एक साथ ही स्टडी करेंगे अपने। कंपेरिजन ऑफ एसिडिक नेचर, ठीक है, किस किस का, वॉटर एल्कोहल एंड फिनोल। ध्यान दीजिए, अब एसिडिक नेचर इट मींस प्रोटॉन डोनर स्पीसीज, राइट। जो इजिली प्रोटॉन डोनेट करेगा वो मोर एसिडिक होगा, और जिसमें इजिली डोनेट नहीं होगा वो लेस एसिडिक होगा। अब ध्यान दीजिए, जब फिनोल के अंदर प्रोटॉन डोनेट होता है तो ये क्या बनाता है, फिनोक्साइडाइन। क्या फॉर्म होगा इसमें, फिनोक्साइडाइन, राइट। क्या फॉर्म होगा, फिनोक्साइडाइन, और ये फिनोक्साइड आयन बाय रेजोनेंस स्टेबलाइज फॉर्म में चला जाएगा, तो ये इजिली प्रोटॉन को क्या कर देगा, डोनेट कर देगा, राइट। यहां ध्यान दीजिए, एच इसका प्लस आई इफेक्ट डज नॉट अप्लाई, और यहां एल्किल ग्रुप प्रेजेंट सो प्लस आई इफेक्ट अप्लाई। तो प्लस आई इफेक्ट जब इस पे लगेगा तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज ऑन ऑक्सीजन एटम, सो लेस टेंडेंसी टू डोनेट प्रोटॉन एंड लेस एसिडिक नेचर ऑफ एल्कोहल कंपैरिजन वाटर मॉलिक्यूल्स, कंपैरिजन वाटर मॉलिक्यूल्स। तो कंपैरिजन ऑफ एसिडिक नेचर ये इंपॉर्टेंट है, तीन का अपने कंपैरिजन है। वैसे कार्बोक्सिलिक एसिड की बात की जाए तो कार्बोक्सिलिक एसिड तो इससे भी ज्यादा एसिडिक होगा, कार्बोक्सिलिक एसिड वाले चैप्टर में भी ये टॉपिक्स दोबारा आएगा, परंतु ध्यान रहे कि यहां कार्बोक्सिलिक एसिड मोर एसिडिक है, ये तो इसमें भी रेजोनेंस इफेक्ट लगेगा, पर यहां अपने को इतना कंसंट्रेट करना है, इतना ध्यान रखना है कि जब कंपैरिजन किया जाता है एल्कोहल वाटर और फिनोल्स का तो उसके अंदर फिनोल गिव प्रोटॉन टू फॉर्म फिनोक्साइड आयन एंड फिनोक्साइड आयन बाय रेजोनेंस। अब इसमें रेजोनेंस ध्यान दीजिए, कई बार रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर भी आपसे डायरेक्ट पूछ ली जाती है, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रॉन यहां आएगा, ये इलेक्ट्रॉन यहां चला जाएगा। वैसे आपने ध्यान दीजिए, रेजोनेटिक स्ट्रक्चर फॉर्म कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है सीबीएसई बोर्ड में भी, तो इलेक्ट्रॉन का माइग्रेशन 1.2 अनदर पॉइंट्स, जहां कॉन्जुगेशंस पोजीशन होती है। ठीक है,
तो इस टाइप से रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ये फॉर्म करेगा, जबकि इसके अंदर प्लस आई इफेक्ट होता नहीं है, जिसके कारण ये मोर एसिडिक, और यहाँ प्लस आई इफेक्ट होने के कारण इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज होने ऑक्सीजन एटम, तो फिनॉल मोर एसिडिक, फिर वाटर और फिर एल्कोहल। तो ये कंपेरिजन स्टडी है एल्कोहल वाटर एंड फिनॉल्स की। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स था ये। अब फिनॉल्स के अंदर सब्स्टिट्यूट इफेक्ट्स भी एसिडिक नेचर में अप्लाई होता है, ठीक है। तो डाउट नहीं रखना, फिनॉल्स मोर एसिडिक देन वाटर एंड वाटर मोर एसिडिक देन एल्कोहल्स। इसमें आपने देखा कि फिनोक्साइड आयन फॉर्म होता है, रिमूवल ऑफ प्रोटॉन, देन स्टेबलाइज्ड बाय रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, एंड इन दिस डज नॉट अफेक्ट ऑफ ए प्लस आई इफेक्ट, एंड इन दिस प्लस आई इफेक्ट, राइट। अब मैं आपको बता रहा हूं सब्स्टिट्यूट इफेक्ट्स। अब जो फिनॉल्स है इसमें टू टाइप के ग्रुप एड हो सकते हैं। टू टाइप के कौन कौन से? एक तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप और एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। जो इलेक्ट्रॉन का डोनेट करते हैं वो इंक्रीज द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, और जो विड्रॉ करते हैं वो डिक्रीज द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। अब ध्यान दीजिए, फिनोल के साथ हमने NO2 ग्रुप इंक्रीज कर दिया, ऐड कर दिया, और यहां फिनोल के साथ हमने मान लिया, ठीक है। अब क्या देख रहे हो, ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन देगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज होगी, तो यहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो जाएगी? इंक्रीज। तो इजिली रिमूवल ऑफ प्रोटॉन नहीं होगा, डज नॉट इजी रिमूवल ऑफ प्रोटॉन। तो ये क्या हो गया? लेस एसिडिक। और यहां आप क्या देख रहे हो, ये इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर क्या करेगा? एक्सेप्ट करेगा, विड्रॉ करेगा। तो यहां से इलेक्ट्रॉन बेंजीन रिंग में जाएंगे, और यहां प्रोटॉन इजी क्या कर देगा? आउट, रिमूवल ऑफ द प्रोटॉन इजी, सो मोर एसिडिक। कंपैरिजन करना है साथ में, अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप एड है तो मोर एसिडिक होगा, और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है तो लेस एसिडिक होगा। ये था सब्स्टिट्यूट फिनॉल्स में एसिडिक कंपैरिजन। तो इस टाइप से अपने को इस टॉपिक का कंप्लीट केमिकल रिएक्शन का जो इनिशियल पार्ट था, बॉन्ड क्लीवेज बिटवीन ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन, उससे रिलेटेड इन टेक्स्ट क्वेश्चन और एक्सरसाइज के कुछ प्रॉब्लम्स दी गई है, उनको सॉल्व कीजिए। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू वेरी मच।